उम्मे फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सदीम नाम का मतलब क्या है और नाम का इंतखाब करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? यह नाम उर्दू और इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नाम का इब्तदाई ताल्लुक अरबी जुबान से निकलता है। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का शुमार मुस्लिम नामों में किया जाता है। जिन्स है लड़का, यानी इस नाम का शुमार लड़कों के नामों में किया जाता है। सदीम के उर्दू मायने है मजबूत, बहादुर, जबकि इंग्लिश मीनिंग से है फर्म एंड ब्रेव। इस नाम की तफसील क्या है, यानी इस नाम के साथ जिन नामों का इस्तेमाल किया जा सकता है वो ये हैं: सदीम हसन, सदीम हुसैन। इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल जिन मुमालिक में किया जाता है, इनमें से नंबर एक पर है पाकिस्तान, नंबर दो पर है सऊदी अरेबिया और नंबर तीन पर है यूएई। नाम का इंतखाब करते वक्त जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उनमें से नंबर एक पर है नाम का मायने अच्छा होना चाहिए, नंबर दो पर है नाम से जिन्स का वाज़ह पता चलना चाहिए, नंबर तीन पर है नाम के साथ वालिद का नाम इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सदीम अब्दुल्ला, सदीम असदुल्ला। नंबर चार पर है नाम की मुशाहबत गैर मुस्लिम नामों से ना हो। नंबर पाँच पर है अगर अल्लाह ताला के नामों में से नाम रखें तो साथ अबद ज़रूर लगाएं, जैसे अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान। इसके अलावा इस टॉपिक पर हमारी तफसीली वीडियो पहले से ही मौजूद है, जिसका लिंक आई बटन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दीजिए इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। फ़ी अमानिल्लाह।